नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। टिकट नहीं मिला तो पूर्व कांग्रेस विधायक ने छोड़ दी पार्टी, बोले मद में हैं कमलनाथ, मजा चखाऊंगा। कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होने के बाद से पार्टी में बगावत का सिलसिला शुरू हो गया है। टिकट न मिलने से नाराज होकर कई नेताओं ने चुनावी समर में कांग्रेस का दामन छोड़ने का फैसला कर दिया है। वहीं कई जगहों पर समर्थकों ने अपने चहेते नेता को टिकट न दिए जाने को लेकर नाराजगी जताई है। सतना जिले की नागौद विधानसभा सीट से पूर्व कांग्रेसी विधायक यादवेंद्र सिंह ने कांग्रेस छोड़कर बसपा का दामन थाम लिया है। कांग्रेस ने नागौद सीट से डॉक्टर रश्मि सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। इसी बात से नाराज होकर नागौद विधानसभा सीट से पूर्व कांग्रेसी विधायक यादवेंद्र सिंह ने कांग्रेस छोड़कर बसपा ज्वाइन कर ली है। वह पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह के बेहद करीबी माने जाते हैं। माना जा रहा है यादवेंद्र सिंह को बसपा विधायकी का टिकट दे सकती है। यादवेंद्र सिंह ने इस्तीफा देने के सवाल पर आरोप लगाते हुए कहा, जब कोई पूछने वाला नहीं है। दिग्विजय सिंह ने कह दिया कि आप क्यों आए हो दिल्ली, क्षेत्र का काम करो। मैं निरंतर सेवा करता चला आ रहा हूं और इस तरह का अन्याय हुआ है तो कैसे बर्दाश्त करूं। मैं 600 वोट से हारा हूं, वो भी नागेंद्र सिंह से जो हमारे यहां के राजा हैं। सज्जन सिंह पर आरोप लगाते हुए यादवेंद्र यादव ने कहा कि कांग्रेस में कुछ गुंडे हैं और कांग्रेस ने उन्हीं को टिकट दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।